जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी जो ज्वाइन करने वाले बच्चे उन सभी के लिए, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी ज्वाइन करने वाले उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में काफ़ी ये क्वेश्चन होंगे। मेरे को कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं कि हम ज्वाइनिंग के समय जाएंगे, जब हमारे माता पिता कोई जाएगा या भाई जब साथ में जाएगा तो क्या उनके रहने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, या उनके आने की वापस की टिकट कब की कराएँ, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से ग्रुप सेंटरों में ज्वाइन करने के लिए बच्चे जाएंगे। कुछ बच्चे भाई को साथ लेके जाएंगे, कुछ बहन को साथ लेके जाएंगे, किसी का परिवार माता पिता साथ में जाएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर किस प्रकार से होगी, उनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, क्या उनको गेट में एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो कहाँ रहेंगे और कितने दिन हमारे साथ वहाँ पर रह सकते हैं। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आप सभी के, तो इस वीडियो में उन क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। साथ में आपको मैं जितनी इस वीडियो में मदद कर सकूँगा ज्वाइनिंग से संबंधित, जो आपका पहला दिन रहेगा उससे संबंधित, कि आप जब ज्वाइनिंग सेंटर पर जाओगे तो आपको किस प्रकार से माता पिता को किस प्रकार से एंट्री मिलेगी, क्या क्या करना है, वो सभी प्रक्रिया इसमें बताऊँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एक और रीजन से मैं बना रहा हूँ, काफ़ी शाम का टाइम है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली आप सभी से। दोस्तों एक बच्चा है जिसकी एज समथिंग 17-18 साल है और अभी प्रेजेंट टाइम में फोर्स की तैयारी कर रहा है, और इसके पिता है, ये इस बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल है, ओम प्रकाश नाम इस बच्चे का है, इसकी दोनों किडनियाँ फेल है। पिता बहुत ही गरीब परिवार से हैं, बच्चा एक ही उम्मीद है उनकी माता पिता की, गरीब बहुत ही गरीब तबके से हैं, और पहले इस बच्चे का इलाज है जो अजमेर हॉस्पिटल मित्तल में चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं, परिवार के पास में एक फूटी कोड़ी नहीं बची है अभी, और बच्चा एक लास्ट उम्मीद है दोस्तों। तो सभी लोग मदद कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी करूँ, लेकिन साथ में आप सभी जितने भी मेरे आज तक, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कोई भी हेल्प की है, आपको लगता है जितने भी बच्चे जो ऐसे जीडी में ज्वाइन किए हैं उनको काफ़ी लोगों के मेरे मैसेज आए कि सर हम आपको मिलकर मिठाई ज़रूर खिलाएंगे, आपको मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। पहले भी मैं जितने भी बच्चों को रिस्पांस किया हूँ वापस, वो भी सब बोलते थे कि लगने के बाद मैं आपको मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। तो दोस्तों मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मिठाई आपकी तरफ से यही होगी कि इस बच्चे के अकाउंट डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, ओम प्रकाश नाम है इस बच्चे का, अकाउंट डिटेल दे रहा हूँ, गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, ये इस बच्चे का है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ऐसे जीडी में इस बार जो ज्वाइन करने वाले, जो मेरे चैनल से जुड़े, स्पेशली ये जो मेरे से जुड़े, जिनको लगता है कि जिनको मेरे से प्यार है, और मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि इस बच्चे से, अगर मुझे पता है कि ये वीडियो कम से कम 10,000 से ऊपर प्लस व्यू करेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, और जितने भी आज तक मैंने इतनी जानकारी दी है तो आपने बहुत प्यार दिया उसके लिए। लेकिन जितने भी दोस्त अगर जिनको लगता है कि भाई वो मेरे को मिठाई खिलाना चाहते हैं या मेरे से मिलना भी चाहते हैं, तो मेरे लिए ये आपकी सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इस बच्चे को जितने भी ऐसे जीडी ज्वाइन करने वाले, कम से कम अगर आप 100 रुपये भी डोनेट करते हो गूगल पे से तो 10,000 व्यू जाते हैं। तो 10,000 बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे पता है 10,000 से ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मैं ज्वाइनिंग का वीडियो बनाता हूँ कम से कम 18 से 20,000 लोग कम से कम देखते हैं, ठीक है, और 27-28,000 भी जाता है, लेकिन कम से कम अगर 10,000 भी बच्चे जा रहे हैं तो आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप अगर मेरे को मिठाई के रूप में भी ये मान के चलिए, अगर 100 रुपये के रूप में अगर आप मिठाई भी देते हो इस बच्चे के रूप में, ताकि इसका जीवन सवर सके, क्योंकि अब इसका जो इलाज चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है जोधपुर हॉस्पिटल में, और उसका खर्चा कम से कम 18 से 20 लाख, क्योंकि इस बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल हैं। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन करूँगा, तो उसमें भी जितने भी बच्चे आप अपनी तरफ से 100 रुपये 50 रुपये भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे से, गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, फ़ोनपे नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, और अकाउंट नंबर भी है, आप स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूँगा उसमें ज़रूर शेयर करिएगा, जो जितनी भी मदद करता है। मैं चाहता हूँ अगर 10,000 बच्चे जाए तो 10,000 × 100 100,000 रुपये होता है, तो मेरे चैनल की तरफ से इनके परिवार को, मैं नहीं जानता हूँ इनके परिवार को, ना किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन इनकी जब मैंने सुनी स्टोरी तो मेरे खुद को बहुत दुख हुआ, और आपको पता है 1 लाख रुपये की मदद कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सबका प्यार अगर मिले सभी को तो हम इतनी मदद कर सकते हैं अपने चैनल की तरफ से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं आपकी तरफ से, अगर आप मेरे को स्पेशली ये मानते हो कि हम आपको सर मिठाई खिलाना चाहेंगे, तो मेरे लिए ये मिठाई होगी आपकी तरफ से, और ये गुरुदक्षिणा मान लीजिए आपको जितना भी आज तक मैंने बताया उसकी, तो आप 100 रुपये 50 भी कर सकते हो आपकी जितनी इच्छा, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकता वो प्रार्थना ज़रूर करिए इस बच्चे के लिए, ठीक है, तो कि इसकी मदद हो सके, ठीक है। ये सभी डिटेल उसकी है, कोई कॉमन डिटेल नहीं, आप जब डायल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसी बच्चे की डिटेल है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ज्वाइनिंग पर, जब ज्वाइनिंग के समय आप अगर जाते हो ज्वाइनिंग सेंटर पे, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि जैसे 15 तारीख ज्वाइनिंग है तो आप 14 को भी जा सकते हो, 13 को भी जा सकते हो, ठीक है। ज्वाइनिंग का रिजर्वेशन पक्का कर लेना जाते समय, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन फुल रहेंगे, काफ़ी बच्चों की ज्वाइनिंग रहेगी, अभी से ट्रेन के रिजर्वेशन कर लेंगे। अब बात आती है कि सर माता पिता को एंट्री देंगे नहीं देंगे, तो आप ज्वाइनिंग लेटर साथ में लेके जाना, आपके माता पिता को बिल्कुल एंट्री दी जाएगी, गेट के अंदर दी भी जाएगी, उनको रहने की भी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है कि हर एक ग्रुप सेंटर में 400-500 बच्चे ज्वाइन करने वाले, लेकिन काफ़ी भगदड़ मच जाएगी,
भाई एक साथ भले ही कैपेबिलिटी है वहाँ की, लेकिन अगर एक साथ 400-500 बच्चे इकट्ठे होंगे, उनके माता पिता पेरेंट्स इकट्ठे होंगे और अलग अलग टाइम पे, तो काफ़ी भगदड़ सी मच जाएगी, काफ़ी मतलब ऐसे तो नहीं बोलूँगा लेकिन भीड़ हो जाएगी, आप सभी को पता है। तो वहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरी राय लेना चाहो तो मेरे कहने मतलब है, माता पिता को जरूर एक बार ग्रुप सेंटर के अंदर लेके जाइए, ज्वाइन कराइए, लेकिन उनका उसी दिन का टिकट बना दीजिए अगर किसी का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कईयों का पॉसिबल नहीं है, जैसे दूर वाले उनका उस दिन ट्रेन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ रहने की व्यवस्था दी जाएगी, आप आसानी से रह सकते हो। ठीक है, आपको गेट के अंदर एंट्री भी दी जाएगी, कोई मना नहीं। ठीक है, गेट के अंदर जा सकते हो, माता पिता को लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक दिन रुक सकते हैं, दो दिन रुक सकते हैं, तीन दिन, अगर उनकी ट्रेन नहीं है तो रुक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उनकी ट्रेन है उसी दिन की, तो ज़रूर उसी दिन का ट्रेन करा देना, और अगले दिन की है तो अगले दिन की करा देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 400 बच्चे 500 बच्चे एक साथ जाएंगे, किसी को भी कोई वो अभी डिसिप्लिन तो आप में आया नहीं फोर्स वाला, अभी आप में वही सिविलियन वाला है, तो थोड़ी सी वो मच जाएगी, चाहे आपको कितना भी कंट्रोल करे तो परेशानी होगी। एक दो दिन फिर आप एडजस्ट कर लोगे, फिर आपको तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर पेरेंट्स आते हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी ना हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हो सके कि आपको उन्हीं दिन वो आपको ज्वाइन करा दे, सुबह आए, दोपहर में जब भी आए, जिस समय से वो पहुँचे उस समय ज्वाइन करा दे आपको, आपको ज्वाइनिंग सेंटर में छोड़ के, और फिर उसी टाइम अगर उनकी ट्रेन है उस दिन तो उस दिन निकल जाए। अगर उनकी ट्रेन नहीं है तो बिल्कुल वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, रहने की व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ट्रेन है तो ज़रूर मैं ये चाहूँगा कि आप उनको उसी दिन का टिकट बना दीजिए, ज़्यादातर कोशिश यही करें कि उनका टिकट हो दो, क्योंकि परेशानी नहीं उठानी पड़े, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर कोई दूर से आ रहा है तो वो ज़रूर होल्ड कर सकता, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, उनको पूरी व्यवस्था की जाएगी, खाने पानी की सब व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं है, खाना वाना भी खिलाया जाएगा, सब प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, वैसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं। क्योंकि ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर खाने पीने का उनका क्या होगा, खाने पीने की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, कोई चिंता नहीं, खाने पीने की सब व्यवस्था की जाएगी। और लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे आप सभी को पता है कि 400 बच्चे एक साथ आएंगे, सबका अलग अलग माइंडसेट है, सब अलग अलग, फौजी बनने में टाइम लगेगा 12 महीने का भी, फिर माइंडसेट एक हो जाएगा, अभी अलग अलग माइंडसेट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उस दिन पॉसिबल आपको छोड़ के जाए, गेट के अंदर आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, गेट के अंदर जाएंगे आपको छोड़ के आएंगे, कोई टेंशन नहीं, घूम सकते हैं, ग्रुप सेंटर देख भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, वो आपके माता पिता और आप आने वाले फोर्स के सदस्य बनने वाले हो। ठीक है, बन गए हो, ये मान लो आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर, आप फोर्स के सदस्य बन गए हो, और आपके माता पिता बिल्कुल उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, तो बिल्कुल आपके अगर साथ जाते हैं तो वो बिल्कुल ग्रुप सेंटर में उनको एंट्री दी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है कि माता पिता को ग्रुप सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी या बाहर रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब आप इस बात को समझ रही है कि 400-500 बच्चे एक साथ ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग करेंगे एक डेट को, तो कितना भी कर लो, 500 बच्चे आर्मी की दौड़ में जाते हैं, आर्मी के कितने इंस्ट्रक्टर लगे रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही रहना, तो माता पिता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो मैं नहीं चाहता कि माता पिता को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए जा सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, फिर आप वापस उनकी उसी दिन की ट्रेन हो तो उसी दिन की कर दे, नहीं हो तो अगर अगले दिन की है तो अगले दिन की कर दीजिए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। दूसरी बात कि आप अपने खाने पीने का जो सामान, जैसे आप सुबह जा रहे हो तो दोपहर में खाना वाना हो सकता है कि लेट बने या एक साथ इतने बच्चों को बने, तो एक दिन का आप अपना खाना कैरी कर सकते हो, जैसे घर से लड्डू वड्डू कुछ भी खाने पीने का एक दिन का लेके जाना, एक दिन नहीं ज़्यादा का लेके जाना, क्योंकि घर की याद आएगी शुरू शुरू में, तो ज़रूर लड्डू वड्डू जो भी आपके माता पिता बनाते हैं वो ज़रूर लेके जाना, ताकि 2-4 दिन आपको याद भी नस्ताए उनके खाते रहो लड्डू वड्डू, तो आपको भी बिल्कुल चिंता ना आए। ठीक है, और फिर खाना वैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई व्यवस्था नहीं होगी, सब है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, 500-600 बच्चे एक साथ खाना खाएंगे तो कोई बात नहीं, आपके पास में थोड़ा बहुत चटपटा रहना चाहिए अपने माता पिता के हाथ का बनाया हुआ प्यार का, तो ज़रूर कैरी कर लेना, ये नहीं सोचना कि वहाँ जाके ये वो हो। ठीक है, सब सफिशियंट मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन ये जो चीज़ मैं बताया हूँ इसके ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।